नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल हड़िया और मैं एक प्रिस्टाशॉप डेवलपर हूँ। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रिस्टाशॉप के लेटेस्ट वर्जन प्रिस्टाशॉप 8 को सीखेंगे और ये कंप्लीट सीरीज रहेगी। एक कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल या थीम के बारे में नहीं रहेगी, ये कंप्लीट सीरीज होगी कि आप वेरी बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके एडवांस मॉड्यूल डेवलपमेंट तक पूरा कोर्स रहेगा। तो हम इसे शुरू करें उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मैं गुजरात और इंडिया से हूँ। वैसे मैं 7 सालों से प्रिस्टाशॉप में कोडिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है, आप यहाँ पर टॉप रेटेड प्लस बेच देख सकते हैं। मेरा जॉब सक्सेस स्कोर 100% है और बाकी के जो नंबर है अर्निंग जॉब्स आवर्स वगैरह आप देख सकते हैं। आप मेरे रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स से प्रिस्टाशॉप सीख रहे हैं। 2 साल से मैंने फ्योर में भी अपनी प्रोफाइल बना रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जुलाई से शुरू किया है तो ये रफली 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे सभी के सभी रिव्यूज़ है वो 5 स्टार है और मैं अभी लेवल 2 पर हूँ। मैं प्रिस्टाशॉप के एडोन स्टोर पर मॉड्यूल भी बेच रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर मैं लगभग 6 फिगर में अपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी प्रिस्टाशॉप सीखें, तो मैं पूरा कोर्स बनाकर उसे यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। तो आज से हम शुरू करेंगे और अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और अगर आपको सीखना है तो आपको हर बार मेरी चैनल चेक ना करनी पड़े। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन और अब हम ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं कुछ टाइम यहाँ पर वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। हम लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करेंगे जो अभी प्रिस्टाशॉप 8.0.1 है। ये सभी लिंक्स है, जो प्रिस्टाशॉप की डाउनलोड की लिंक है, मेरी अपवर्क और फ्यूअर की लिंक है, मेरी एडोन स्टोर की लिंक है, वो मैं सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिस्टाशॉप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो PHP को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन उसे प्रिस्टाशॉप के बारे में मालूम नहीं है। तो अगर आप ई-कॉमर्स में कोडिंग करना चाहते हैं तो प्रिस्टाशॉप एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो प्रिस्टाशॉप की जो zip फाइल है आपको डाउनलोड कर लेनी है। मैंने उसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है ताकि ट्यूटोरियल में हमें वक्त मिल सके। ये है हमारी डाउनलोड की गई हुई zip, आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना है। zip के अंदर एक और zip फाइल है, आप उसे एक्सट्रैक्ट करिए। तो देखिए मैं यहाँ पर अपने सेटअप के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसे मैं नाम दूंगा ट्यूट। मैं इसे शॉर्ट नाम दे रहा हूँ ताकि जब भी हम उसे एक्सेस करने की ट्राई करें तो हमें टाइप कम करना पड़े। तो मुझे यहाँ पर प्रिस्टाशॉप को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर उसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और हमें इसे इंस्टॉल करने के लिए हमारे सेटअप में हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोकल होस्ट और phpMyAdmin में जाते हैं और एक डेटाबेस बना लेते हैं। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। मैं उसे वही नाम दूंगा जो मैंने अपने फोल्डर का नाम दिया है ताकि मुझे उसे रिलेट करने में आसानी रहे, तो मैं उसे नाम दूंगा ट्यूट। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, हमारी जो फाइल्स है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो वो यह फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, बस हमें उसे एक्सेस करना है इस तरह से लोकल होस्ट और फिर हम देंगे ट्यूट। लोकल होस्ट में जो भी प्रोसेस होगी वो एक डेडिकेटेड सर्वर से कुछ कंपेरिजन में स्लो रहेगी। हो सकता है कि आप जब भी इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें तो इंस्टॉलेशन में ही आधा घंटे से ज़्यादा चले जाए। तो देखिए अब प्रिस्टाशॉप का जो इंस्टॉलर है वो शुरू हो चुका है। अब भी मैं यहाँ पर इंस्टॉल डायरेक्टरी में है तो हम इस विज़ार्ड को फॉलो करते हैं। यहाँ से हम लाइसेंस और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं। ये जो तीसरा स्टेप था सिस्टम कंपेबिलिटी वो अभी स्किप हो गया है क्योंकि मेरा जो सेटअप है
वो पूरा कॉम्पेटिबल है। अगर आपके पास भी PHP और ज़ेम्प का लेटेस्ट वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ आपके यहाँ पर एक्सटेंशन या कुछ सिस्टम डिसेबल होगी तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं उसे यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, वही जो मैंने फोल्डर का नाम दिया है, और जो बेसिक डिटेल आपकी शॉप क्या है, किस कंट्री से आप ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर है इनेबल SSL, तो हम लोकल होस्ट में है तो फिलहाल हम इसे नो रखेंगे क्योंकि हम लोकल होस्ट पर HTTPS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल दे रहा हूँ, आप अपनी दे दीजिए। हमें बस इस विज़ार्ड को फॉलो करना है, हमसे जो डिटेल मांगी जाए हम वो देंगे। हम यहाँ पर डेमो प्रोडक्ट इंस्टॉल करवाएंगे ताकि जब भी हमारा सेटअप रेडी हो तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट मिले। और इस मॉड्यूल को भी हम जो रिकमेंड मोड पर है वही रखेंगे ताकि प्रिस्टाशॉप के जो डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल होंगे वो सब यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ पर जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उसकी डिटेल देनी है, तो हमारा लोकल होस्ट का एड्रेस तो लोकल होस्ट ही रहेगा। डेटाबेस का जो नाम दिया है हमने ट्यूट वह देंगे। लोकल होस्ट में हमारा नाम रूट रहेगा, पासवर्ड में कुछ नहीं, और टेबल का एक हम प्रीफिक्स डालेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास एक ही डेटाबेस में आप एक से ज़्यादा प्रिस्टाशॉप इंस्टॉल करना चाहे तो भी हो सकता है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा सेटअप ठीक है या नहीं। तो ये काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रॉप एग्जिस्टिंग टेबल। ये तो हमने डेटाबेस नया क्रिएट किया है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल का डेटाबेस का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे अनचेक कर दीजिए ताकि आपके जो पुराने टेबल है वो उसमें बचे रहे। अब मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ, और अब इस स्टोर की प्रोसेस पूरी होगी जहाँ पर उसे वो प्रिस्टाशॉप एक एक करके सभी स्टेप को फॉलो करेगा, और इस प्रोसेस में कुछ वक्त लग सकता है तो आप पेशेंस बनाए रखिए बस। तो फाइनली हमारा प्रिस्टाशॉप इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है इंस्टॉल फोल्डर को डिलीट करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आपके सेटअप में इंस्टॉल फोल्डर होगा प्रिस्टाशॉप यही कंसिडर करेगा कि अभी हमें प्रिस्टाशॉप को इंस्टॉल करना है। तो अगर आप इंस्टॉल करने के बाद भी इस डायरेक्टरी को रिमूव नहीं करते और इस लिंक को एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो प्रिस्टाशॉप फिर से वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर दो और नए टर्म्स हैं, बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस। तो इसे समझ लेते हैं कि जो पार्ट कस्टमर देखेंगे उसे हम कहेंगे फ्रंट ऑफिस, जहाँ पर एक कार्ट और कस्टमर का मैकेनिज्म होगा। जो कुछ एडमिन को मैनेज करना है उसे हम कहेंगे बैक ऑफिस। तो सबसे पहले तो हमें इसे डिलीट करना होगा, तो जहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन है वहाँ जाके हम ध्यान से इंस्टॉल डायरेक्टरी को डिलीट कर देते हैं, और फिर हम ट्राई करेंगे फ्रंट ऑफिस को एक्सेस करने की। तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट हमारे सामने है, इसके हर एक पार्ट के बारे में हम आगे के ट्यूटोरियल में बात करेंगे। और अब हम जाएंगे बैक ऑफिस में। तो देखिए प्रिस्टाशॉप का जो एडमिन है, जो एडमिन फोल्डर, उसे हम बैक ऑफिस कहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी की वजह से जब भी प्रिस्टाशॉप पहली बार इस एडमिन फोल्डर को एक्सेस करेगा तो उसे वो चेंज करके एडमिन के साथ कुछ ना कुछ रैंडम स्ट्रिंग अटैच कर देगा। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिर्फ एडमिन नाम का फोल्डर था उसके साथ प्रिस्टाशॉप ने एक बहुत ही लंबी रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके अटैच कर दी है। इससे क्या होगा कि अगर कोई हैकर आपकी शॉप को एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो वो गेस नहीं कर पाएगा कि आपका जो बैक ऑफिस है उसका लिंक क्या होगा। तो अब इंस्टॉलेशन के दौरान हमने जो भी डिटेल दी थी उससे हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे। तो फाइनली हमारे पास ये फ्रंट ऑफिस है, और जहाँ पर हम लॉगिन हो रहे हैं एडमिन के तौर पर वो हमारी बैक ऑफिस है। अब देखिए फ्रंट ऑफिस का हर एक पोर्शन बैक ऑफिस से मैनेज हो रहा है, तो वो सब कैसे होगा वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूँ कि हम इससे बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बैक ऑफिस में नहीं बल्कि कोडिंग में भी जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके दोस्त प्रिस्टाशॉप सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस पूरी प्रोसेस को एक दो बार चेक कर लीजिए क्योंकि हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ डिटेल्स होंगी। आप उसको स्क्रीन पर देखते रहिए, हर एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ते रहिए, जो ज़रूरी होगा
वो मैं आपको बताता रहूँगा। ऐसा कोई भी पॉइंट होगा जो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है और मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है, वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।